अरे दोस्तों, आज यूथ एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी नेक्स्ट क्लास जीके की जो एनालिसिस पे आधारित है और कल के लिए जो टॉप 25 क्वेश्चन है, तो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भी कैंडिडेट MTS के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो लोग इन क्वेश्चन को जरूर देख कर जाएँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो निकलेगी आपकी 243, अधिकतम संख्या 243। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो हमारे ऑप्शन से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कोलकाता। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन है 1222 में, और ऑप्शन है 1234 में, 1227 में और 1220 में। तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी उसकी 1227 में, 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का pH मान किससे कम होता है, डैश से कम होता है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन है 5.5 यानी कि 5.5, 9.5, 7.5 एंड 10.5। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 5.5। राइट आंसर है pH मान जो दांतों का, मुंह का pH मान जो होता है वो 5.5 होता है जब दांतों में सड़न शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः कितने व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है? तो आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः कितने व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है? ऑप्शन है हमारे 4, 5, 2 और ऑप्शन है 3। तो हमारा राइट आंसर होगा 3। जनगणना के जनसंख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो हमारे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम वंश का है, तो इनका शासन जो स्टार्ट हुआ था वो 1236, 1240, 1266 से 1287, 1206 से 1210, 1210 से 1236। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 1206 से 1210। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी दिन में 2 बार लबद रूप से उठना और गिरना क्या कहलाता है? जो समुद्र का पानी होता है वो दिन में दो बार जो उठता है ऊपर की तरफ और गिरता है वो क्या कहलाता है? तो नंबर एक है ज्वार भाटा, धारा या लहर, तो इसे क्या कहते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा की स्थिति आपको पता होगा जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी की जो अवस्था होती है उससे आधारित ज्वार भाटा आते हैं। अगला है, नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल, बिहार, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा, नाटी है जो वो हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, लोक नृत्य है। तो नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है? RNA, ADP, ATP और DNA। RNA, ATP, ADP, ATP और DNA। तो DNA का फुल फॉर्म बताएंगे और RNA का आप हमें कमेंट सेशन में इनका फुल फॉर्म बताएंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा होगा ATP। ATP है जो ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो किस वर्ष शुरू हुआ? जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1938। नेक्स्ट ऑप्शन है 1936, अगला ऑप्शन है 1944 और 1942। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, अगला ऑप्शन है, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? यानी महावीर से उन्होंने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? तो उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, नहीं, राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 35 वर्ष की अवस्था में,
30 वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की अवस्था में और 33 वर्ष की अवस्था में। तो महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। अब मैं महात्मा बुद्ध जी की गृह त्याग की आयु बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया? तो नंबर ए औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा अकबर। अकबर ने जजिया कर को माफ किया था, औरंगजेब ने पुनः लगाया था। ठीक है, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? इनमें से कौन सा मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो टिड्डी, तितली, बिच्छू और ऑक्टोपस। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, नंबर ए ऑप्शन है हीराकुंड, दामोदर और चंबल नदी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पुरानी जो परियोजना है वो राइट ऑप्शन है हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो सबसे पुरानी परियोजना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो संशोधन से एक क्वेश्चन बन रहा है एमटीएस में, तो देखेंगे हम। तो जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश किस महीने में होती है? तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश किस महीने में होती है? अक्टूबर और नवंबर में, दिसंबर और जनवरी में, अगस्त और सितंबर में, फरवरी और मार्च में। तो हमारा 16 का आंसर राइट होगा ए ऑप्शन, अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो बारिश है वो अधिकतम होती है तमिलनाडु के तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? पोंगल, बांग्ला, उगादी और सोलगो। तो मैं जो अरुणाचल प्रदेश में है वो त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सोलोंग। सोलोंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीटीपी का पूरा रूप क्या है? डीटीपी का पूरा रूप क्या है? डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग और डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 18 का डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन है, एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? तो हमारे इसके ऑप्शन है अनुराग कश्यप, करण जौहर, अक्षय कुमार या सलमान खान। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा करण जौहर। करण जौहर हमारा राइट ऑप्शन होगा, करण जौहर। करण जौहर की है आत्मकथा, इसकी आत्मकथा है अनसुटेबल बॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में। तो हमारा राइट ऑप्शन है मदन मोहन मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकाल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्तकाल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा और तो फिर इसका राइट ऑप्शन है सोना, सोने के सिक्के जारी किए गए। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान, अली बर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा भाई इसका हमारा डी, बंगाल के नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, भगवती समिति 1973 के किस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो जो रिपोर्ट थी जनसंख्या वृद्धि पर, वाणिज्य पर और गरीबी पर। भगवती समिति 1973 की जो रिपोर्ट थी वो अगला ऑप्शन है इसका बेरोजगारी पर। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा बेरोजगारी, बेरोजगारी हमारा राइट ऑप्शन है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन हमारा कहलाता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1935 में, 1919 में, 1892 में, 1861 में। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 1861 में।